हेलो एवरीवन, मैं रितेश श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं न्यूज इनसाइट ओनली ऑन पैंथियन एडु। दोस्तों, अर्णब गोस्वामी की फाइनली बेल पिटीशन जो थी, सुप्रीम कोर्ट ने उनको बेल देने का निर्णय लिया है। 11 तारीख को ये जजमेंट आया। अर्णब ने हेबियस कॉर्पस के तहत सुप्रीम कोर्ट में ये पिटीशन लगाई थी, हाई कोर्ट के में उनकी पिटीशन खारिज होने के बाद, और फाइनली उनको बेल मिल गई। अर्णब गोस्वामी एक देश के बहुत ही बड़े जर्नलिस्ट हैं। उनकी अपनी एक अलग स्टाइल है, उनका एक अपना एक अलग स्टाइल ऑफ प्रेजेंटेशन है, और उनकी काफी लंबी चौड़ी फैन फॉलोइंग्स है। अर्णब गोस्वामी के अरेस्ट होने के से बहुत सारे उनके सपोर्टर्स रोड पे आए, सोशल मीडिया पे भी एक कैंपेन चल रहा था, और जो भी इस मामले में न्यूट्रल भी था उसका ये मानना था कि ये फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पे बहुत बड़ा अटैक है गवर्नमेंट के द्वारा। एक जर्नलिस्ट का इस तरीके से सीरीज ऑफ FIR करना और उनको इस तरीके से एक बड़े क्रिमिनल की तरह अरेस्ट करना ही अपने आप में गलत था। अर्णब गोस्वामी और महाराष्ट्र गवर्नमेंट के बीच में ये टसल का एक नतीजा था, जिसकी शुरुआत हुई थी, आपको याद होगा कि पालघर में कुछ साधुओं को लिंच कर दिया गया था महाराष्ट्र में, और इसको अर्णब गोस्वामी के न्यूज चैनल ने काफी गंभीरता से उठाए थे और महाराष्ट्र गवर्नमेंट को कटघरे में खड़ा किया था। इसके बाद सोनिया गांधी का उन्होंने ओरिजिनल नाम लिया था, जिसके वजह से उनके पूरे के पूरे देश भर में 200 से ऊपर FIR दर्ज किए गए थे। खैर, ये तो बाद की बात थी। उसके बाद फिर से सुशांत सिंह राजपूत का केस आया। सुशांत सिंह राजपूत के केस में महाराष्ट्र गवर्नमेंट का रवैया जो था उस पर उन्होंने क्वेश्चंस उठाए, और बीच में फिर कंगना रनौत का इशू हुआ, तो कंगना रनौत के इंटरव्यूज किए, कंगना रनौत को सपोर्ट किया। यानी कि कुल मिला के जिसे हम लोग कहते हैं 36 का आंकड़ा काफी समय से चल रहा था। महाराष्ट्र गवर्नमेंट भी शांत नहीं रही, ये एक क्लियर सी बात है। विदाउट बीइंग डिप्लोमेटिक, ये क्लियरली कहा जा सकता है कि पॉलिटिकल वेंडेटा में महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने अर्णब गोस्वामी को टारगेट करने की बहुत सारी कोशिशें की। एक TRP का केस आया, जो कि जिसमें बहुत सारे लूप होल्स नजर आ रहे हैं, जिसके बारे में हमने पहले भी चर्चा की थी। इसके लिए आप वीडियोज हमारे देख सकते हैं, उस पर हमने विस्तार से चर्चा की थी। जो कि केस रिपब्लिक FIR में इंडिया टुडे जैसे चैनल का नाम था, मगर फिर भी रिपब्लिक को टारगेट किया गया, FIR किया गया। अभी नई रिसेंट जो डेवलपमेंट आई है उसमें हंसा रिसर्च ने ये एलिगेशन लगाया कि उनके ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा है नाम लेने का। खैर, ये बात अलग हुई। इसके बाद फिर हुआ कि 2018 में का एक केस जो कि क्लोज हो चुका था, जिसके ऊपर क्लोजर रिपोर्ट डाल दी गई थी, उस क्लोजर रिपोर्ट डालने के बाद केस को बंद किए हुए 1 साल से ऊपर हो गए थे। उस केस को रीओपन करवाया गया, और उस केस को रीओपन करवाने के बाद फिर से फ्रेश FIR दर्ज की गई और फिर से इनको अरेस्ट किया गया। ये केस था अलीबाग के इंटीरियर डिजाइनर का, अवन्य नायक जिनका नाम था, उनको और उनकी माँ ने एक रहस्यमय परिस्थितियों में सुसाइड कर लिया था। उनके ऊपर एबेटमेंट ऑफ सुसाइड का अर्णब के ऊपर केस लगाया गया था, IPC सेक्शन 306, यानी कि एबेटमेंट टू सुसाइड। कारण ये बताया गया था कि अर्णब गोस्वामी ने, क्योंकि उनके काम कराने के बाद पैसे नहीं दिए, इस वजह से उन्होंने सुसाइड कर लिया। बहरहाल, इस केस को रीओपन करने के बाद सडनली 4 नवंबर को सुबह बिना किसी नोटिस के अर्णब गोस्वामी को एक क्रिमिनल की तरह, एक टेररिस्ट की तरह अरेस्ट किया गया, जो आप सबने उसके विजुअल्स भी देखे होंगे। इसकी काफी निंदा की गई थी अक्रॉस द कंट्री और अक्रॉस द क्लास। कुछ की अपनी अपनी प्रिजुडिशियल बायस है, उन लोगों ने भी किया। और अर्णब गोस्वामी से एक अलग राय रखने वाले जर्नलिस्ट ग्रुप भी जो थे, उन लोगों ने भी भले ही एक कोरम पूरा करने के लिए इसको क्रिटिसाइज किया और काफी इसको क्वेश्चन मार्क भी किया गया। अब इस पर आगे ये हुआ कि अर्णब गोस्वामी ने अपील की और उन्होंने हेबियस कॉर्पस, जो एक राइट होता है हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में, आप जा सकते हैं कि अगर किसी भी व्यक्ति का गलत तरीके से डिटेंशन होता है, उसकी अरेस्टिंग होती है, तो हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जा करके वो अपने आप को रिलीज के लिए कर सकता है, या उसके बिहाफ में कोई भी ये पिटीशन डाल सकता है। तो हाईकोर्ट में डाला गया और हाईकोर्ट ने 4 दिन तक इस मामले की सुनवाई को करने के बाद फिर उसको फाइनली सेशन कोर्ट में ट्रांसफर किया, और सेशन कोर्ट यानी कि वहां पे उनको बेल देने से इनकार कर दिया, इंटरिम बेल देने से इनकार कर दिया, और केस को ट्रांसफर कर दिया कि ये सेशन कोर्ट में ही जाए अर्णब गोस्वामी, और वहां पर इस सेशन कोर्ट में बेल के लिए अप्लाई करें। अर्णब गोस्वामी की टीम ने मूव किया सुप्रीम कोर्ट की तरफ,
और सुप्रीम कोर्ट का ये जो जजमेंट आया है ये एक लैंडमार्क जजमेंट है, और कानून के विशेषज्ञ बताते हैं कि ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल केस में हम इसकी मिसाल दे सकेंगे, इसके एग्जाम्पल्स, इसकी केस स्टडीज आगे हम पढ़ सकेंगे। पूरा जजमेंट तो खैर अभी नहीं आया है, 2 लाइन का जो ऑर्डर है उसमें, और साथ ही साथ जो डिस्कशन जो हुई पूरी की पूरी बहस के दौरान, जो जस्टिस चंद्रचूड़ और जस्टिस इंदिरा बैनर्जी के पीठ जो बैठी थी, उन्होंने जो ड्यूरिंग द डिस्कशन बहुत सारे इंपॉर्टेंट बातों को जो हाईलाइट किया है उस पर मैं कुछ डिस्कशन करना चाहूंगा। सबसे बड़ी बात, जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि ये एक केस अबेटमेंट टू सुसाइड का नहीं बनता है, दिस इज नॉट द फिट केस फॉर अबेटमेंट टू सुसाइड। अगर कोई एक व्यक्ति दूसरे से पैसा लेता है और वो पैसा नहीं चुकाता है तो ये अबेटमेंट कहीं से नहीं होता, मतलब उन्होंने FIR पे ही ये एक क्वेश्चन मार्क कर दिया। दूसरी महत्वपूर्ण बात, उन्होंने हाईकोर्ट को भी इशारा किया, हाईकोर्ट के तरफ इशारा करते हुए ये कहा कि हाईकोर्ट ने इस जजमेंट में गलती की है, हाईकोर्ट को यहाँ पे बेल दे देना चाहिए था। हाईकोर्ट को बेल इसलिए दे देना चाहिए था कि टेक्निकल बातों को छोड़ दें, यहाँ पे पर्सनल फ्रीडम की बात है। उन्होंने ये कहा कि हाईकोर्ट ने बहुत लंबा चौड़ा डिसीजन तो दिया है, कई पेजों का जजमेंट भी है, बट ये नहीं बताया कि हैबियस कॉर्पस का केस क्यों नहीं बनता है और उसको बेल क्यों नहीं देनी चाहिए। और साथ ही साथ जस्टिस चंद्रचूड़ ने ये कहा कि यहाँ पे समय है कि हाईकोर्ट को एक मैसेज दिया जाए कि वो लोगों की पर्सनल फ्रीडम को प्रायोरिटी दें और एक तरीके से FIR को स्मेल करके इस बात को समझें कि एक्चुअली हो क्या रहा है। पर्सनल फ्रीडम, वे लोगों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता अगर खतरे में है उसको प्रायोरिटी देते हुए बेल किया करें, और एज अ गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन उनको ये काम करनी चाहिए। और कुल मिलाकर के इसमें हाई कोर्ट का जो जजमेंट था उसको पलटते हुए इंटरिम बेल रिलीफ उन्होंने दे दी। साथ ही साथ जब उनके लॉयर, अपोजिशन पार्टी के जो लॉयर थे, डिफेंस लॉयर जो जिनका नाम कपिल सिब्बल है, आप सब अच्छे से जानते हैं, कपिल सिब्बल ने ये कहा कि कोर्ट को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए इस मैटर में, तो जस्टिस चंद्रचूड़ ने इस बारे में ये कहा कि अगर हम आज इंटरफेयर नहीं करते हैं तो ये एक बहुत ही गलत रास्ते पे जा रहे हैं, अगर राज्य सरकारें इस तरीके से काम करती रहेंगी और अगर अब हम बीच में नहीं आए तो एक बहुत ही गलत रास्ते में जाएंगे, ये डेमोक्रेसी के लिए खतरा है और हम इस चीज़ को अलाउ नहीं कर सकते हैं। उन्होंने पर्सनल लिबर्टी पे बहुत ज़्यादा जोर दिया कि पर्सनल लिबर्टी अगर खतरे में पड़ी तो हम इस चीज़ को अनदेखी नहीं कर सकते हैं। साथ ही साथ एक और बात, जब इस पे चर्चा हुई अर्नब गोस्वामी के स्टाइल ऑफ प्रेजेंटेशन या स्टाइल ऑफ कंटेंट जो उनके चैनल में हुआ करते हैं, तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात जस्टिस चंद्रचूड़ ने ये कही कि आप टीवी ना देखें, अगर आपको किसी की आइडियोलॉजी नहीं पसंद है तो यू हैव द रिमोट, यू कैन स्विच द चैनल, लेकिन आप इन सारी चीज़ों को इग्नोर करें, और हमारी डेमोक्रेसी बहुत रिजिलियंट है और डेमोक्रेसी हमारी ऐसे ही चलती है, सरकारों को इस तरीके की वेंडेटा पॉलिटिक्स पे नहीं काम करना चाहिए और उनको इस तरीके के ट्वीट्स हो गए या बाकी सारी चीजें हो गई उनको इग्नोर करना चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का वर्जन ये भी था, अगर हम उनको इंटरप्रेट करें तो ये जो सरकारों ने एक FIR वाला खेल खेल रखा है उस पर भी इशारा करते हुए कहा, उन्होंने खास तौर पे कोलकाता हाई कोर्ट का एग्जाम्पल देते हुए कहा कि दिल्ली की एक लेडी के ऊपर केस किया गया था और वहां भी हाई कोर्ट ने रिलीफ देने से इनकार कर दिया था, और सरकारें इस तरीके से केस करती हैं, लोगों को कहीं से उठा करके कहीं पहुंचा देती हैं, तो हाई कोर्ट का ये फर्ज बनता है कि वो लोगों की पर्सनल फ्रीडम पे ध्यान दें। उस केस में भी हाई कोर्ट ने बेल नहीं दिया था, फाइनली उस लेडी को सुप्रीम कोर्ट से बेल मिला था। और ये वेंडेटा पॉलिटिक्स में बहुत तरीके की चीज हो रही है। रिसेंट एडिशन अभी इसमें साथ में ही मधु किश्वर के ऊपर एक केस किया गया है, मधु किश्वर एक नेशनलिस्ट एक्टिविस्ट है जिनको कि लोग राइट विंगर्स भी बोलते हैं, उन्होंने एक वीडियो पोस्ट किया था और उस वीडियो को गलती से ये बताया था कि ये कोलकाता का है जबकि वो एक्चुअली बांग्लादेश में था, और कोलकाता पुलिस ने उसको फेक डिक्लेयर किया, हालांकि पता चलने पे मधु किश्वर ने उसको हटा दिया था और उनके ऊपर लिखा कि केस इनिशिएटेड, यानी कि अब उनका इंटेंट ये है कि मधु किश्वर को भी हैरस किया जाए। तो कुल मिला के इन सारी चीजों की अगर हमारी एनालिसिस ये बताती है कि सुप्रीम कोर्ट का ये एक लैंडमार्क जजमेंट है,
जिसमें दो तीन चीजों पे खास जोर दिया गया है। पर्सनल फ्रीडम पे बहुत ज्यादा जोर दिया गया है और सरकारों को अभी इस चीज पे ध्यान देने को कहा गया है कि सारी चीजों को इग्नोर करें और सत्ता चलाने के लिए इस तरीके की पॉलिटिक्स ना करें। उम्मीद है इससे लोग सबक सीखेंगे। जब पूरा कंप्लीट इसकी एनालिसिस आ जाएगी, सारी रिपोर्ट आएगी, तो हम लोग इस पे और एनालिसिस करेंगे। बहरहाल ये एक हमेशा एक नजीर पेश किया जाएगा, अर्नब गोस्वामी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, जो कि कानून की किताबों में आगे इस पे चर्चा होगी। इसीलिए मैंने इस चीज पे बात की। बाकी सारी जानकारी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अगर अभी तक से आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं फिर नए टॉपिक के साथ न्यूज़ इनसाइट पे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।